जय श्री कृष्ण। संपादन करें ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय दुहने के स्थान में विराजमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलंबर उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और गजसवाक के समान ललित चाल थी। उनके चरणों में ध्वजा, ब्रज, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे, उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति ही थे। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी थी। गले में वनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग तथा चंदन का लेप किया था। परीक्षित अक्रूर ने देखा कि जगत के आदिकरण, जगत के परम पति पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकता मणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हो। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। परीक्षित, भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आहाद हुआ कि उनके नेत्र आंसू से सर्वथा भर गए। सारे शरीर में फुल कवली छा गई। अंतरकंठ बस गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी ना बतला सके। शरणागत वक्षस्थल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रित हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और हृदय से लगा लिया। इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए, तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा तथा दूसरा बलराम जी ने। दोनों भाई उन्हें घर ले गए। घर ले जाकर
भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। कुशल मंगल पूछ कर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और विधि पूर्वक उनके पांव पखार कर मधुपर्क, शहद मिला हुआ दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास, पान, इलायची आदि और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंद राय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। जिस इंद्रियाराम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसकी प्रजा हैं, फिर आप सुखी हैं? यह अनुमान तो हम कर ही कैसे सकते हैं? अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया, तब अक्रूर जी के शरीर में रास्ता चलने की जो कुछ थकावट थी वह सब दूर हो गई। जय हो, जय हो। राधे राधे।